उधम सिंह जिला मुख्यालय रुद्रपुर के भगवानपुर कोल्डिया में भारी पुलिस फोर्स और प्रशासन के साथ पहुंचे लोनिवी अधिकारियों ने 2 जेसीबी की मदद से भूमि पर अतिक्रमण को तोड़ने का काम किया। पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत, जिससे गुस्साए लोगों ने जेसीबी चालक पर हमला बोल दिया और पथराव कर जेसीबी चालक को घायल कर दिया। पुलिस के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। जानकारी के अनुसार रुद्रपुर के भगवानपुर कोल्डिया में हाईकोर्ट के आदेश के बाद लोक निर्माण विभाग की जगह पर काबिज लोगों को हटाने की कार्यवाही की गई है। कार्यवाही से गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया, लेकिन कार्यवाही जारी रही। सूचना पर विधायक शिव अरोरा भी मौके पर पहुंचे और लोगों को 24 घंटे का वक्त देने का निर्देश दिया, लेकिन विधायक के जाते ही टीम ने फिर से निर्माण तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने अपना सारा सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया, जिस पर विधायक मौके पर दोबारा पहुंचे और कार्यवाही को रुकवाते हुए जेसीबी लौटा दी। निश्चित रूप से मैं यहाँ पे आके इसीलिए खड़ा हूँ, मैं किसी के अगर यहाँ पे जो मैं इसकी जिम्मेवारी भी तय करूंगा। बिल्कुल जिम्मेदारी तरीका नहीं है डंडे मार। जब 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 बस्ती के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं, जब बस्ती के लोग भी समझ रहे हैं, कोर्ट का आदेश है। मैं भी 2 साल से स्पष्ट रूप से लड़के प्रशासन से रोक रहा था कि कार्रवाई नहीं करनी, इन्हें न्यायालय से कहीं राहत मिल जाएगी। 2 साल से मैंने 1.5 साल से रोक रखा है, लेकिन आज जब न्यायालय का आदेश ही आ गया, तब कम से कम 24 घंटे का समय देके वो अपना सामान निकाल लें, कहाँ जाके रात को रुकेंगे, क्या व्यवस्था करनी है, इन सब की चिंता नहीं करेंगे। विधायक जी, यथाशीघ्र का आदेश जो है, खुद यहाँ पीडब्ल्यूडी वालों से बात हुई है तो उनका कहना है कि यथाशीघ्र रिपोर्ट के लिए माननीय हाईकोर्ट ने आदेशित किया है। यहाँ पर ये भी आरोप लग रहे हैं कि बिल्डर के दबाव में जो है ये सब कार्रवाई की जा रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ये 6 साल पहले कोई PIL यहाँ पड़ी, PIL पढ़ने के बाद ये लोग अपने जो है न्यायालय के जो अपने वकील के माध्यम से उसकी पैरवी कर रहे थे। लगभग 3 साल पहले, 2.5-3 साल पहले इनके खिलाफ आदेश उच्च न्यायालय का आ गया। 1.5 साल से PWD इन पे कार्रवाई करने के लिए नोटिस देके कई बार यहाँ तोड़ने के लिए आ गया। जब भी वो तोड़ने के लिए आ, मुझे जानकारी आई, मैंने स्पष्ट रूप से PWD के अधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों को यहाँ से वापस भेज दिया। और उसका बहुत बड़ा कारण था कि इन लोगों को पूरी तरह से उम्मीद थी, इनके वकीलों से बात हुई, इन्हें कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगी, ये भी आश्वस्त थे। और इसी आश्वासन के लिए 1.5 साल में कम से कम 5 बार, इवन आज से 5 महीने पहले की बात है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट से कोई ना कोई रिलीफ ले आएंगे। लेकिन कल मेरी जानकारी में आया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इनके खिलाफ निर्णय दे दिया है, और साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय ने यहाँ के जिलाधिकारी महोदय और एक्शन PWD के नेम्ड कंटेम्प्ट अवमानना का आदेश देके 10 तारीख की अंतिम तिथि दी थी अवमानना के नोटिस के हिसाब से। अब निश्चित रूप से माननीय न्यायालय जहाँ पहुँचता है वहाँ पर एक सीमा हो जाती है। 1.5-2 साल से मैं भी न्यायालय से इन्हें कोई ना कोई मदद मिल जाए इसके लिए प्रयास कर रहे थे। आज ये आ गया तो आज सब लोग, हम भी हैंडीकैप हो गए, ये भी हैंडीकैप हो गए। तो आज सब सुबह जब कार्रवाई की बात आई थी तो मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कम से कम 24 घंटे का समय इन्हें दे दिया जाए, जिससे ये अपने सामान को निकालना है, क्या कार्रवाई करनी है, कहाँ जाके के बच्चों को लेके जा सकते हैं, इसकी चिंता तो कम से कम कर लें। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।